Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Gunjan and you're watching my channel which is SimplyFLY. So friends, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम एविएशन या एयरलाइन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं बिकॉज आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टूडे क्योंकि आज हम ऋषिकेश जा रहे हैं फॉर अ कैंपिंग. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने साथ आपको भी लेके चलू. तो मेरे साथ जाने के लिए आप लोग तैयार है तो लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, we have started from Dehradun now and it is around 9:15 in the morning. और हम निकल चुके हैं देहरादून से ऋषिकेश की तरफ. और जो देहरादून से ऋषिकेश की डिस्टेंस है वो करीब 45 किलोमीटर्स है एंड इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर टू रीच ऋषिकेश. ऋषिकेश पहुंचने के वैसे दो रास्ते हैं. एक जो है देहरादून से हरिद्वार वाला जो हाईवे है आप उस तरफ से भी जा सकते हैं और जो दूसरा है विच डायरेक्टली गोज टू ऋषिकेश वाया देहरादून एयरपोर्ट. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई रिकमेंड यू दैट वे क्योंकि वो जो रास्ता है उसमें ट्रैफिक भी कम मिलता है एंड टाइम भी कम लगता है. तो अगर जब भी आप देहरादून से ऋषिकेश जा रहे हैं तो आप वो वाला रूट ले सकते हैं. फ्रेंड्स, हम भी उसी रूट से जा रहे हैं आज ऋषिकेश और वेदर बहुत ही अच्छा है आज. इट इज़ अराउंड 18 डिग्री आउटसाइड और बहुत ही प्यारा सा मौसम है. और हम मॉर्निंग में थोड़ी जल्दी जल्दी में निकले थे तो वी डिडंट हैड एनीथिंग. तो वी थॉट ऑफ हैविंग समथिंग इन बिटवीन. तो हमने सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे. और इस रूट में एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे ढाबे हैं छोटे छोटे बहुत प्यारे से और मैगी पॉइंट्स भी हैं जहाँ बहुत ही टेस्टी मैगी बनती है. तो आई डेफिनेटली एडवाइस यू प्लीज़ जब भी आप यहाँ आएँ तो इस रास्ते में जो ढाबे पड़ते हैं वहाँ पे मैगी ज़रूर टेस्ट करें. बहुत टेस्टी मैगी बनाते हैं. सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं एक ढाबे में और जिसका नाम है झुरमुट वाटिका. तो लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या मिलता है. काफ़ी छोटा सा ढाबा है बट मैंने काफ़ी सुना है इस ढाबे के बारे में कि यहाँ पे बहुत ही टेस्टी मैगी बनती है. तो और मैगी के साथ साथ यहाँ पे एक हर्बल टी मिलती है जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत हेल्दी भी है. तो मैंने सोचा क्यों ना उसको भी आज ट्राई कर लिया जाए. तो हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं और देखते हैं अभी यहाँ पर क्या क्या मिलता है. सो फ्रेंड्स, हमने ऑर्डर किया मैगी और यहाँ की स्पेशल टी जो कि सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी. तो आप जब भी यहाँ देहरादून आएँ और ऋषिकेश जाएँ तो इन बिटवीन इस ढाबे में आप मैगी और इस चाय को डेफिनेटली ट्राई करें. सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ और अब ऋषिकेश यहाँ से करीब 20 किलोमीटर्स और रह गया है. तो करीब हमें आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स यहाँ से लग जाएंगे अभी. और सो फ्रेंड्स, देहरादून से ऋषिकेश वाला जो ये रूट है ये बहुत ही खूबसूरत है. तो आप अगर यहाँ से जाएंगे तो यू वोंट गेट बोर एट ऑल. बहुत ही प्यारा रूट है, फुल ऑफ ग्रीनरी और ये जंगल बहुत ही खूबसूरत लगता है. आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो आप इस रास्ते से जाएंगे और सबसे अच्छी चीज़ है कि इस रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलता है ज़्यादा. तो यू विल एंजॉय योर जर्नी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप देहरादून से ऋषिकेश कब पहुँच गए. सो नाउ फ्रेंड्स, वी आर क्रॉसिंग देहरादून एयरपोर्ट और इसके बाद जो हम हाईवे कनेक्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे. और जो यहाँ से ऋषिकेश है वो करीब 16 किलोमीटर्स और रह गया है. तो करीब करीब 20 मिनट्स और लगेंगे हमें ऋषिकेश पहुँचने में. सो फाइनली फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड ऋषिकेश एंड आई एम सो एक्साइटेड. और अभी लेकिन हमें जो हमारा जो कैंप है वो ऋषिकेश से करीब 15-20 किलोमीटर्स और आगे है. तो वहाँ पहुँचने में हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा.
सो फ्रेंड्स, ऋषिकेश हमने क्रॉस कर लिया है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आर कैंप. और ये हमने गंगा बैराज क्रॉस किया है और जो कैंप है इट इज़ अराउंड 12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस एंड हमें करीब हाफ एन आवर और लग जाएगा बिकॉज जो रोड है वो बहुत अच्छा नहीं है. तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द कैंप पहुँचते. We have reached to our camp. आप देख सकते हैं नीचे जो ये कैंप्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कैंप्स हैं और इनमें से एक हमारा भी है. हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे और इस रास्ते से होते हुए हमें नीचे उतर के जाना है करीब 500 to 600 meters. और क्योंकि जो कैंप्स हैं वो रिवर साइड में है तो हमें यहाँ से नीचे उतर के जाना पड़ेगा कैंप तक पहुँचने के लिए. तो मिलते हैं अपने कैंप में जिसका नाम है एस्पन कैंप. फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं एस्पन कैंप में और यहाँ के स्टाफ ने हमारा बहुत ही अच्छे से वेलकम किया और वेलकम ड्रिंक भी सर्व किया. और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एस्पन कैंप और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है. देखिए आसपास कितना प्यारा है, कितनी प्यारी लोकेशन है. आपका मन खुश हो जाएगा यहाँ पे आके. ये सामने जो रिवर है ये गंगा का ही ट्रिब्यूट है और सामने भी कैंप है. और ये सारा एस्पन कैंप के टेंट्स और रिजॉर्ट्स हैं और आसपास और भी बहुत सारे कैंप्स हैं फ्रेंड्स. तो आपको यहाँ पे आके ना बहुत ही अच्छा लगेगा. ये देखिए, ये सारे टेंट्स एस्पन के ही हैं. इसके पीछे भी काफ़ी सारे टेंट्स और रिजॉर्ट्स हैं और जिनकी कैपेसिटी करीब 80 to 100 लोगों की है. और यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं. और अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे आना है, एज इफ अभी तो ये ऑफ सीज़न है बट अभी जैसे ही सीज़न शुरू होगा फैब के बाद तो करीब यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है. तो आपको एडवांस में बुकिंग करके आनी पड़ेगी क्योंकि फैब के बाद जो सीज़न है वो पीक सीज़न माना जाता है और यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑन द स्पॉट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो एडवांस बुकिंग करवा के ही आएँ. यहाँ पर जो दूसरे कैंप्स हैं वो भी काफ़ी सिमिलर हैं बट जो बेस्ट पार्ट है इस कैंप का वो है यहाँ का स्टाफ एंड सर्विस विच इज़ वेरी नाइस. आफ्टर हैविंग लंच यहाँ के स्टाफ ने हमें बताया कि यहाँ पे एक वाटरफॉल है विच इज़ वेरी नाइस विच इज़ कॉल्ड पटना वाटरफॉल. तो हमने सोचा कि हम उसको भी देख के आते हैं. तो वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग टूवर्ड्स पटना वाटरफॉल. फ्रेंड्स, ऋषिकेश में बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग. और अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं. व्हेन एवर यू कम फॉर अ कैंपिंग तो कैंप्स वाले ही आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं. इट इज़ जस्ट यू नीड टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट और समटाइम्स उनके पैकेज में भी इंक्लूडेड होता है. सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पटना वाटरफॉल में और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटिफुल जगह है फ्रेंड्स. आई एम टेलिंग यू, जब भी आप यहाँ आएँ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो प्लीज़ यहाँ पे आइएगा. ये बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, यू विल एन्जॉय इट, आई एम टेलिंग यू. सो फ्रेंड्स, आफ्टर दिस वी विल गो फॉर अ ट्रैकिंग एंड देन टू ऋषिकेश. और ऋषिकेश में मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के पार्ट टू में. And I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. And if you like this video, please do like, share, and subscribe to my channel. Jai Hind.